इंदौर शहर में संचालित होने वाले शैक्षणिक संस्थानों ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपार ख्याति अर्जित की है। वर्षभर शहर में चलने वाले शैक्षणिक गतिविधियों में विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा व्यापार और शिक्षा को नई दिशा और उन्नति के सभी अवसरों को कार्यप्रणाली में लाने के लिए तीसरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पैराडिगम शिफ्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट का शुभारंभ किया गया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डीपी सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट संयुक्त अरब अमीरात डॉ. गोहर अहमद सहित शिक्षा जगत से जुड़ी हस्तियों ने इस गरिमामय आयोजन में शिरकत की। अतिथियों ने अपने सार गर्भित उद्बोधन में कहा कि वैश्विक ब्रांड को भारतीय बाजार में सफल होने के लिए आज के परिदृश्य को ध्यान में रखकर कार्य में बदलाव की जरूरत है, जिससे भारत और इंडोनेशिया के साथ ही अन्य देशों के बीच व्यापारिक संबंध और बेहतर हो जाएंगे। I think this conference very good conference. I attended many conferences, international conferences around the world, not only in Indonesia, India, also in America, in Europe. But here I see the eagerness of the participants, so many people. So I think I believe this is a this innovative business management. Innovative Business Management was excellent the day conference here in Indore this time, and it was good received by the participant as well as the delegates from outside the country, and there were good presentation list there in the pipeline, which we will see it soon after the deliberation, after the the small break. So far it was excellent. It was a wide range: marketing, HR, international business, and all sorts of areas. Not a single area is left out. There are about, I think, more than 250 or so papers. Presenters are here today. It was very exciting, and it was very, nice to see here crowd from different